नमस्ते बच्चों, आप पहले हम दो क्लास अ और आ लिखना सीखे, आज हम छोटी ई लिखना सीखेंगे। आप लोग ने होमवर्क किया होगा, आज हम ई लिखेंगे, वो भी होमवर्क आप कर लेना। हम पहले दो क्लास में ये कविता पढ़ लिए है, मछली रानी। बच्चे आप लोग ने इसे याद कर लिया होगा। आज हम पेज नंबर 29 पे सब्जी पढ़ेंगे। पहला टमाटर। टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते बच्चों? टमाटो। ये क्या है? आलू। आलू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटैटो। ये क्या है? गोभी। गोभी को क्या बोलते हैं? कॉलीफ्लावर। ये क्या है? बैंगन। बैंगन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रिंजॉल। ये क्या है बच्चों? गाजर। गाजर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरेट। ये क्या है? शलगम। शलगम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्यूनिप। ये क्या है बच्चों? मटर। मटर बोले तो क्या? ग्रीन पीस। ये क्या है बच्चों? प्याज। प्याज बोले तो ऑनियन। और ये भेंडी। भेंडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेडी फिंगर। आप लोग आज ये पेज नंबर 29 को पढ़ के याद करना है। बच्चों अक्षर माला बुक में पेज नंबर 4 आज हम ये छोटी ई पढ़ेंगे। ई से इमली। इसे क्या कहते हैं? इमली। ई से इमारत। इमारत यानी बिग बिल्डिंग, जो बड़ी बिल्डिंग होती है उसे इमारत कहते हैं। ई से इकसठ। इकसठ यानी 61, जो अपन 61 लिखते हैं उसे हिंदी में इकसठ कहते हैं। ई से इमली। ई से इमली। ई से इमारत। ई से इमारत। ई से इकसठ। ई से इकसठ। ई लिखेंगे, एक छोटी लाइन डालो। एस आता है ना आपको लिखने, एस लिखिए, फिर पेंसिल को अंदर नीचे लाइए और ऊपर एक छोटी सी लाइन खींचिए, उसे ई से इमली कहते हैं। और एक बार देखो, एक छोटी लाइन, एस लिखो। एस लिखने के बाद पेंसिल को अंदर से नीचे लाओ और ऊपर एक छोटी सी लाइन डालो, उसे ई से इमली कहते हैं। एक छोटी लाइन, एस लिखो, फिर पेंसिल को अंदर से नीचे लाओ और ऊपर एक छोटी सी लाइन डालो, उसे ई से इमली कहते हैं। ई ई इसे क्या कहते हैं? छोटी ई। छोटी ई। ई से इमली। पेज नंबर 5 पे ये जो छोटी ही ई है आज हम लिखेंगे। ये जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आप पेंसिल रख के छोटी लाइन एस लिखिए, फिर पेंसिल अंदर से नीचे लाइए और ऊपर एक छोटी सी लाइन डालिए, उसे ई कहते हैं। ई से इमली। फिर से और एक बार छोटी लाइन, एस लिखो, उसके अंदर से नीचे आओ और ऊपर एक स्लिपिंग लाइन, उसे ई कहते हैं। ई से इमली। ई से इमली। और एक बार देखो, ई से इमली। आप ये लिखे जो अक्षर है उसके ऊपर पेंसिल फिरा के ये जो खाली बॉक्स है उसके अंदर भी लिखना है। एक छोटी लाइन एस लिखिए, पेंसिल अंदर से नीचे लाइए और ऊपर एक छोटी सी लाइन डालिए, ई से इमली। और एक बार देखिए, छोटी लाइन एस डालिए, पेंसिल अंदर से नीचे लाइए, ऊपर एक स्लिपिंग लाइन, ई से इमली। यहाँ तक लिखने के बाद ये जो लिखित है उसके ऊपर भी लिखिए और ये पूरा होमवर्क यहाँ तक कंप्लीट करिए।
से अनार। आ